वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राणा और मेरे साथ हैं आयशा इमान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुख ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कहते हैं आप ठीक ठाक होंगे। आशा को देख के आप कहते होंगे कि तहमीना की तरह, तो तहमीना जरा है बीमार और अल्लाह पाक उनको सेहत दे। टाइफाइड की वजह से वो नहीं आ पा रही और प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर रही। हम तहमीना को, मैं क्या, हमारे व्यूवर्स भी तहमीना को बहुत मिस कर रहे हैं। तो तहमीना आप जल्दी से सेहत याब हो जाएं और आप सबसे गुजारिश है कि आप तहमीना के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और प्रोग्राम को ज्वाइन करें ताकि आप तहमीना को दोबारा देख सकें। जी आयशा, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर्दी का सीज़न है, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में शादियों का भी मौसम है, ये क्या बात है। गर्मी में इसलिए नहीं की जाती कि लड़कियों के मेकअप नहीं टिकते सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है। हाँ, और सर्दी में फिर शादी का एंजॉय करने का भी मज़ा आता है अगर लड़कियों के मेकअप ठीक रहें। जी आशा, आपने बहुत अच्छी बात की कि ऐसा ही है कि सर्दी में एक तो गैदरिंग जो होती है ना वो ज़्यादा होती है और हमें ज़्यादा सर्दी नहीं लगती गैदरिंग में, कहमा कहमी होती है। और हम जब सारे इंसान इकट्ठे हों, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों, दोस्त अहबाब, तो फिर वो सर्दी का पता नहीं चलता, वासिफ में दिन भी गुजर जाए, शाम भी गुजर जाए। और जब गर्मी हो तो गर्मी में एक तो वैसे गर्मी, ऊपर से गैदरिंग इतनी ज़्यादा, तो तोबा तोबा तोबा, और फिर मेकअप इस तरह बस ऐसे टकरा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपने ठीक बात की। जी व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेकअप टिप्स। हम आपको आज मेकअप के बारे में बताएंगे, आगाह करेंगे कि मेकअप किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आजकल आशा एक और भी बात है, ब्यूटीशियंस और ब्यूटी सैलून्स, उनकी तो मौजे लगी हुई, उनकी ईद है, उनकी ईद है, असल ईद उनकी है ऐसे ही कहा जा सकता है। विदाउट मेकअप लड़कियां नहीं लगती वो लुक नहीं उनकी आती जो उनकी मेकअप करने के बाद आती है। मेकअप उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा कहा जा सकता है। बिल्कुल, मेकअप उनकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन मेकअप के साथ साथ अगर आपकी पर्सनैलिटी जितनी मर्जी भी अच्छी है, ग्रूमिंग, आपने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, अच्छी ड्रेसिंग की है, अच्छे आपने हेयर स्टाइल वगैरह कुछ भी किया है, लेकिन मेकअप के बिना आप बड़े नहीं पूरे पूरे लग रहे होते। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़कियां विदाउट मेकअप तो बाहर निकल ही नहीं सकती। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें नेचुरल ब्यूटी दी है और हम निकल सकती हैं। अब ऐसा भी है कि आप हमें बस मेकअप का ही सुनाते रहें। जी आशा, आप बताएं। एक्चुअली बात ये है कि ग्रूमिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम अगर किसी, अपनी बात ना करें, हम किसी को देख लें, अगर उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, उसने बैग अच्छा लिया, उसने जूता अच्छा पहना है, इनफैक्ट उसने मेकअप अगर अच्छा किया तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि अगर वो अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लगना है। तो इसीलिए जो है हमें अट्रैक्शन, हमारी अट्रैक्शन ज़्यादा हमारे मेकअप से की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आशा, आप मुझे बताएं मेकअप की उर्दू क्या है? मेकअप की उर्दू मुझे खुद नहीं पता वैसे। मेकअप की उर्दू हमें बताई जाए कि मेकअप की उर्दू क्या है? मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो आप प्लीज़ बताइए। जी मेकअप को उर्दू में क्या कहते हैं? आला बराए दुरुस्तगी हवाली के आला बराए मौसी बोले, क्योंकि हम भी खवातीन में ही आ जाती हैं। सुना है मेकअप को उर्दू में आला बराए दुरुस्तगी वो मुरम्मत खवातीन कहते हैं। खवातीन की दुरुस्तगी और मुरम्मत, मतलब मेकअप के जरिए खवातीन का मुरम्मत किया जाता है। हम खवातीन में ही आ जाती हैं। खवातीन में लड़कियां, गर्ल्स, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, सब कुछ ही ऐड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो औरत का वजूद खवातीन में ही आता है, आप क्या कह सकते हैं जी आशा? जी अगर बात करें मेकअप की तो क्या आपको वैसे मेकअप करना पसंद है? मुझे वो ज़्यादा थोपा थोपी वाला मेकअप करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि मेकअप किया जाए तो बहुत कम कम किया जाए, नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें अता की हैं, जो आपको नकूश अता किए गए हैं, उन नकूश को ऐसा निखारा जाए कि पता चले कि वाकई इट्स नेचुरल ब्यूटी। लेकिन मैं ज़रा मेकअप की शौकीन हूँ, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा हूँ। अच्छी, मैं आशा आप मेकअप की शौकीन है तो पता भी चल रहा और मैं मेकअप की शौकीन नहीं हूँ तो मेरा भी पता चल रहा होता है कि ये जो बंदी है ना ये मेकअप नहीं करती।
और बाकी ऐसा है कि मुझे मेकअप की हाउ नो कुछ भी नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि कितनी फाउंडेशन यूज़ करनी चाहिए, कितनी लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए, कितने ब्लशर्स लगाना चाहिए, ब्लशर किस तरह लगाना चाहिए, आई शेड किस तरह होना चाहिए, लाइनर किस तरह का होना चाहिए, मस्कारा किस तरह होना चाहिए। देख रही हूँ जिसको इतना मेकअप का नहीं पता चीज़ों का सब कुछ पता है, नामों का पता यूज करने का नहीं पता कि किस तरह यूज किया जाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने गर्ल्स के लिए बड़ा कुछ गर्ल्स के लिए स्पेशली सोशल मीडिया ने गर्ल्स के लिए बहुत सी आसानियां पैदा कर दी हैं। बहुत फैसिलिटेट सोशल मीडिया कर रहा है कि आप किस किस तरह बनाओ सिंगार कर सकती हैं, अपने आप को किस तरह संवार सकती हैं, और संवारना लड़की का हक भी है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो इंटरनेट से ही मिल रही है, इंटरनेट पे ईच एंड एवरीथिंग हर चीज टोटली बताई गई है कि इसको किस तरह यूज करना है, किस चीज को कहाँ से यूज करना है। ये लड़कियों के लिए काफी मुझे लगता है अच्छा हो गया, जिनको नहीं पता, जो नहीं सीख सकती किसी से जाकर, इंटरनेट से इजीली जो ऐसे सीख सकती हैं। और वैसे भी आशा, इंसान की नेचर होती है कि उसको कोई यूनिक चीज नजर आनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, कुछ डिफरेंट मिले, कुछ ब्यूटीफुल मिले, और लड़की का हक है कि वो बन सवर के रहे। और वो फिर उसी तरह तो नहीं ना कहा जाता, आईने की नजर लग ना जाए कहीं। अब क्या करे, तहमीना भी तो आगे से गुनगुना देती, लेकिन आज तहमीना नहीं है। तो तहमीना प्लीज आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, व्यूवर्स भी कह रहे होंगे, व्यूवर्स अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो मैं खुद भी तहमीना को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जी आशा, आशा आप बताएं मेकअप के अकॉर्डिंग कुछ भी के यूनिक चीज नजर आनी चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, आपको किस तरह की गर्ल्स अच्छी लगती हैं? समटाइम्स होता है ना कि हम किसी शादी ब्याह में गए हैं तो हम कहते हैं कि इस लड़की ने ओवर मेकअप किया हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंट तो बड़ा है लेकिन मेकअप उसका अच्छा नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए ना, उसके लड़की के कपड़ों के लिहाज से जो है ना मेकअप करना चाहिए। अगर तो उसके कपड़े सिंपल है, उसको मेकअप हैवी होना चाहिए उसका। अगर उसका मेकअप हैवी है तो कपड़े सिंपल होना चाहिए, बात यही है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं, अगर हम ये चीज मिस कर देंगे ना मेकअप में से, तो वो बहुत बड़ा गुनाह समझ लिया जाएगा कि ये गलती होगी, ये नहीं छोड़ना चाहिए था। मेकअप करना चाहिए लेकिन इतना डार्क नहीं। लोग एक एक चीज को उसकी कंटूरिंग डार्क मेकअप, एक्स्ट्रा डार्क मेकअप कर लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डार्क मेकअप नहीं होना चाहिए। और आजकल जैसे मैं बता चुकी हूँ, शादियों का सीजन है, और हर एक कोई, अच्छा शादियों के सीजन में एक तो ये भी बड़ा इशू होता है, लड़कियाँ उनको ये पड़ा था कि हमें गोरी रंगत चाहिए, रंगत हमारी गोरी होनी चाहिए, फिर उसके साथ हाथ पांव हमारे वो भी वाइट होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के लिए एक कहावत भी है कि मुंह अमरीकी और पांव और चेहरे जो है, सॉरी चेहरे अमरीकी और पांव और हाथ जो है वो अफ्रीकी। और यहाँ तक सोशल मीडिया पर लड़कियों के लिए बात वायरल है, दिल पे नहीं लेनी, लड़के बोलते हैं खैर है, फिर क्या हुआ, हम खुद को बना संवार नहीं सकते। हमारा आजकल लड़के भी बगैर मेकअप के नहीं नजर आते सोशल मीडिया पे, लड़के भी मेकअप करते हैं विदाउट मेकअप, वो भी टीवी पे नहीं आते। अच्छा उनकी दाढ़ी चाहिए, दाढ़ी के स्टाइल बनाए जाते हैं, हेयर स्टाइल इतने इतने होते हैं। वैसे एक बात है, लड़कों की ड्रेसिंग भी बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन हमने आज बात मेकअप पे करनी है। तो हमें लड़कियों को किस किस तरह की मेकअप टिप्स यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी टिप्स यूज़ करनी चाहिए, कौन सी फाउंडेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, बेस किस तरह की होनी चाहिए, उसके बाद आपके आईज मेकअप किस तरह का होना चाहिए। और लेकिन इधर बात कर रही हूँ लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, उनको इस चीज़ की बड़ी फिक्र होती है कि हमारा जो कलर है वो फेयर होना चाहिए, गोरी रंगत होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से लड़कियों को कोई घर में होम जो है ना रेमेडी ज़्यादा बेस्ट रहती है, होम रेमेडी घर में कोई यूज़ करें। और क्रीम अगर वो कोई यूज़ करना चाह रही हैं फेस वाइटनिंग के लिए, तो ऐसी करें जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। आजकल इशू ही यही आ रहा है, शादी से एक महीना पहले शुरू कर देती हैं और उसके साइड इफेक्ट का पता नहीं होता, वो जब यूज़ करती है तो फेस ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं कहती हूँ कि लोकल जितनी भी क्रीम्स हैं ना वो उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे एक तो आपको एक्ने प्रॉब्लम्स हो जाता है, फिर उसके साथ साथ आपका जो कलर है वो कलर नेचुरल कलर आपका डैमेज हो जाता है, फेक हो जाता है कलर, फेक हो जाता है। अच्छा उससे भी ब्लैक कलर आता है आपका, मतलब उससे एक तो आपका अगर गंदमी कलर है ना, गंदमी कलर बहुत खूबसूरत कलर है, अगर सोगामी कलर है ना आपका, वो भी बहुत खूबसूरत है।
तो आप एक्स्ट्रा फेयर के चक्कर में आप अपनी असल रंगत भी खो जाती हैं और फिर आपको क्रीमों का ही सहारा लेके चलना पड़ता है। तो क्रीम ना इस्तेमाल करें, दूध पिए ज़्यादा से ज़्यादा, वाइट हो जाए, फिर उसके साथ अच्छी डाइट रखें, आप फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जितनी अच्छी डाइट होगी आपका कलर उतना ही अच्छा होगा और आपका जो ब्लड है, ब्लड अगर आपका ब्लड सेल्स कम है, अगर आपको ब्लड का इशू है कुछ का, ये भी होता है ना, उनका जो खून होता है वो ज़्यादा नहीं होता। समटाइम डॉक्टर कह रहे होते हैं कि आपका जो जिगर है वो खून नहीं बना पा रहा, आपको ये इशू है, तो इसलिए आप ज़्यादा टाइट अच्छे हो ना होने की वजह से हो जाता है। और लड़कियों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं जो ड्यूरिंग जॉब्स कर रही हैं, अगर घर में हैं, क्योंकि वो अपने आप को बना संभाल के नहीं रखती, और जब किसी की खुशादी करीब आ जाती है तो वो फिर अपने आप पे थोड़ी तवज्जो देना शुरू कर देती हैं। तो आप क्या कहती हैं कि लोकल क्रीम यूज़ करनी चाहिए कि बिल्कुल भी लोकल क्रीम? मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हम इतने पैसे हर चीज़ में लगा लेते हैं, थोड़ी सी अपनी स्किन केयर के लिए भी हमें थोड़ा घबराना नहीं चाहिए पैसे लगाने के लिए। तो नेचुरल होम रेमेडी भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई क्रीम वगैरह यूज़ करनी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स देख के और उस लिहाज से, अपनी स्किन के लिहाज से जो है क्रीम यूज़ करें। जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इंसान की नेचर होती है कि वो बहुत यूनिक नज़र आना चाहता है और डिफरेंट नज़र आना चाहता है, और इंसान को हमेशा यूनिक और डिफरेंट चीज़ ही पसंद आती है। डिफरेंट इंसान अगर गहमा गहमी के एक लड़की ने नेचुरल मेकअप किया और कुछ ज़्यादा लड़कियों ने बहुत सा मेकअप थोपा हो एनी पार्टी पे, तो जो एक लड़की सिंपल होगी ना वो बहुत उसकी नज़र सब पे होगी, वो अट्रैक्ट करती है, सबकी नज़र उस पे होगी, वही ना, सबकी बहुत अट्रैक्टिव होगी, तो सब कहेंगे। और हमें भी मेकअप उस तरह का करना चाहिए कि हम भी अट्रैक्टिव नजर आए, खूबसूरत नजर आए। खूबसूरत तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, तो हम लोगों को थोड़ा यूनिक और थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है कि इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इंसान को वही चाहिए। जैसे मुझे अपने नोज की बहुत प्रॉब्लम है तो मैं कह रही होती हूँ कि जो भी है ना, मतलब कि अल्लाह पाक ने अता किया हुआ है हर एक मुसलमान को, इंसान को हैसियत अल्लाह पाक ने अता किया हुआ, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है ना, देखो उसका नोज़ इतना इस तरह का, तो मेरा क्यों नहीं इस तरह का होना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें पूरा फेस, आंखें, जिसने इतनी प्यारी आंखें अदा की हैं, लिप्स अदा की हैं, पूरा फेस अदा किया, यहाँ तक कि हमें बाजू, टांगे, पाँव पूरे का पूरा इंसान बना के भेजा है, उस खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। और आंखें तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लेकिन इस पर मज़ीद बात करते रहेंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देखने हैं आपका अपना प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद अस। जी आशा, शादी पे लड़कियों के लिए एक चीज़ बहुत अनमोल और बहुत कीमती सी होती है, वो ये होती है कि हमारी आंखें खूबसूरत नज़र आनी चाहिए, और उसके साथ साथ लिपस्टिक जो है ना होंठ प्यारे नज़र आने चाहिए, लिपस्टिक जो है वो उनका कलर खूबसूरत होना चाहिए। मेकअप पूरा हो जाए, लिपस्टिक ना लगे तब तक मेकअप का कोई फ़ायदा नहीं है। विदाउट लिपस्टिक आप कोई मेकअप ना करें, लिपस्टिक लगा लें जस्ट, तो आपकी लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। जी जी आशा, आप हमें लाइनर के बारे में कुछ बताएं कि क्योंकि आशा को मेकअप का ज़्यादा पता है, ये आधी ज़्यादा नहीं लेकिन ये थोड़ी बहुत ब्यूटिशियंस भी हैं। नहीं तो इतना नहीं अपने लिए कर सकती हूँ, मैं तो अपने लिए भी नहीं कर सकती। जी आशा बताएं कि लाइनर कौन सा यूज़ करना चाहिए और किस टाइप का? जी बिल्कुल सुनील, लाइनर के काफ़ी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, अगर ज़्यादा बताने लगी तो शो का टाइम ख़त्म हो जाएगा। कुछ ही लाइनर्स हैं जिसके साथ साथ पिक्चर्स भी जो है वो लगा देंगे। अगर पहली टाइप मैं बताऊँ, ओम्ब्रे लाइनर है, एक मेटालिक लाइनर जो है ये लगाया जाता है, ज़्यादा ये अमेरिका में यूज़ किया जाता है, और जो है अगर ये मैट में भी लगाया जाए तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। आप पिक्चर में देख ही रहे हैं कि कितना यूनिक जो है ये लगता है। अगर दूसरे जो है टाइप की बात की जाए तो ये है फेजर लाइनर, ये मेरा थोड़ा कुछ फेवरेट है, बिकॉज ये
ग्लाइंडर से कुछ कुछ मिलता है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। और ये रशियन जो है मेकअप आर्टिस्ट है, उसने जो है ये याद किया था। और इतनी बारीकी से ये लाइनर लगाया जाता है, आंखें इतनी खूबसूरत लगती है, बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। मतलब कि इसको चाइनीज और कोरियन लोग भी यूज करें तो उनकी आंखें जो है ना वो बहुत खूबसूरत नजर आएंगी। उनकी आंखें जो है ना वो छोटी छोटी होती है और बारीक होती है, तो वो ये लाइनर यूज करें तो आप भी हमारी तरह पाकिस्तानी लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर थर्ड टाइप की बात करें तो यहाँ पे थर्ड टाइप है लेयर्ड आईलाइनर। लेयर्ड आईलाइनर में आप पिक्चर देख रहे हैं कि इसको मेकअप के साथ मर्ज कर दिया हुआ है और बिल्कुल फील नहीं होता कि लाइनर लगा हुआ, लेकिन इतनी खूबसूरती से लगाया गया है कि आंखों की जो खूबसूरती है वो ही बदल गई हुई है। इतनी खूबसूरत है। जो लास्ट वन है, जिसकी मैं लास्ट टाइप जो मैं बता रही हूँ, मेरा फेवरेट है पोलका डॉट्स जो है। ये आजकल क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे जो है ये ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। पोलका डॉट्स इतना खूबसूरत है, एज अ विंग लाइनर ही लगता है, लेकिन छोटे छोटे डिफरेंट कलर के डॉट्स से जो है ये लाइनर लगाया जाता है। बड़ा खूबसूरत ये लाइनर लगता है। आपको भी ट्राई करवाऊंगी ये कभी। कभी नहीं, मैं आपसे सुबह ही ये लगवाऊंगी। और सुबह मैंने, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही सुबह होता है, तो मैंने 8 बजे आके इसके सामने बैठ जाना कि पहले मुझे ये पोलका डॉट वाला लाइनर लगाओ, देन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, अदरवाइज नो। जी जी बिल्कुल। अगर वही मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर टाइप ज्यादा बताने लगी ना तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, विंग लाइनर के बारे में बताएं। विंग लाइनर जो है उसकी कॉर्नर जो है वो काफी बड़े से छोटे छोटे जैसे आ जाते हैं, लगाए जाते हैं। उसकी विड्थ काफी चौड़ी होती है तो वो उससे बड़े खूबसूरत लगते हैं। जैसे आशा पुरानी मूवीज में देखा है, मूवीज में और रील्स में भी लगाया करते थे, यहाँ यहाँ तक उनका लाइनर और उनकी आईज भी बड़ी बड़ी लगती है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। और आशा वो मेकअप नेचुरल मेकअप होता, मतलब नेचुरल मेकअप वो दिखाई देता था मूवीज में, और फिर उसके बाद लाइनर इधर तक। जैसे कि वो एक सॉन्ग है, इंडियन सॉन्ग है, उसमें जो हीरोइन है उसने पर्पल कलर की ड्रेसिंग की हुई है। बिल्कुल, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं बिल्कुल ज़हन में आ गया वो गाना। कौन सा था वो, जाने मोहब्बत ऐसे करके था, मैं खुद भूल गया हुआ है। जाने नहीं याद नहीं आ रहा, लेकिन वो वाकई उसका पर्पल कलर में ड्रेस था और लाइनर उसका बहुत खूबसूरती से लगा। ज्यादा मेकअप नहीं था, लाइनर और लिपस्टिक तक की मुझे लगता है वो किया था, और बहुत जबरदस्त। बिल्कुल, बाकी के पुरानी मूवीज में जिस तरह वो लाइनर करके दिखाया जाता है और इस तरह करके लाइनर, यहाँ तक हमारी पाकिस्तानी मूवीज में भी है, ऐसे ही था बिल्कुल। और जैसे नूरजहां बिल्कुल उनकी बात की जाए तो उनकी आंखें माशाल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से बनाई जाती थी, संवारी जाती थी, और एक अलहदा ही अट्रैक्शन होती थी कि पता चल रहा होता था कि मैडम नूरजहां। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर बात करें, आप इंडियन मूवीज की बात कर रही थी, इंडिया में ज़्यादा लोगों को मेकअप करना नहीं आता आफ्टर अमेरिकन ब्यूटीज के बाद। अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, हम पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा मेकअप सीख लिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल जो है काशिफ और वाजिद जो बहुत फेमस हो चुके हैं। काशिफ वैसे मेरा फेवरेट है, काशी हर एक फेवरेट है। जी, उसके बाद लिपस्टिक के बारे में, मेकअप पूरा हो जाए और लिपस्टिक ना लगे तो मेकअप कंप्लीट नहीं होता। जी आशा, आप क्या कहती हैं? तो आपका कौन सा फेवरेट कलर है लिपस्टिक में? मुझे डार्क शेड्स हमेशा पसंद आती हैं, लाइट शेड्स मैं नहीं लगाती। लाइट शेड्स में मुझे ऐसे लगता है कि कोई निखार नहीं आया, कोई सम्मान नहीं आया, वही फेस है। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ी डार्क शेड होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मेरे पास कुछ नेचुरल कलर हो गए, रेड हो गया, मैरून हो गया, ऑरेंज हो गया, इससे ज्यादा नहीं है ना। ऑरेंज और मस्टर्ड कलर को अगर मिक्स करके लगाया जाए बहुत खूबसूरत कलर, और उसको मस्टर्ड कलर ही बोला जाता है, बहुत जबरदस्त कलर आता है वो वाला। और उसके साथ साथ जो शॉकिंग पिंक है उसकी एक अलहदा ही शाइन होती है, एक अलग ही है। अगर आयशा हम रेड बहुत सूट करता है, अगर हम पर्पल कलर की तरफ चले जाए ना। नहीं, वो मैंने सोशल मीडिया पे ये देखी है काफी ज्यादा पिक्चर्स, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं ब्लैक कलर के लिपस्टिक्स, और पाकिस्तान में तो मुझे लगता है अभी तक सिर्फ ये नेचुरल कलर ही चल रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ब्यूटीज जो है वो आजकल यूज़ कर रही है येलो कलर। आप पिक्चर्स देख रहे होंगे हमारे चला रही होंगी प्रोडक्शन, येलो कलर है, रेड कलर है, रेड कलर तो हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लैक, ब्लू, पर्पल, इस टाइप के कलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो लुक नहीं ना आती जो हमारे ये नेचुरल कलर्स में आती है। अच्छा, जो ब्लू है ना, ब्लू अगर हो गया ब्लू, पर्पल एंड ब्लैक, उनमें वो सूट ही नहीं करते। बिल्कुल वो सूट ही नहीं करते। आपका सारा फेस विदाउट मेकअप है और आप ब्लू लगा रहे हैं, आइस के ऊपर आप मेकअप कर रहे हैं, ब्लैक आइस कर ली आपने, स्मोकिंग आइस आपने बना ली, और आप ब्लैक लिपस्टिक लगा ले तो नहीं सूट करता। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हों उस सोसाइटी में ही
वैसा मेकअप करके अगर आप जाए ना तो आप बहुत खूबसूरत लगेंगे, लेकिन उस सोसाइटी में आप वेस्टर्न मेकअप करके चले जाएं तो आप बहुत अजीब से लगेंगे, एक डिफरेंट लुक नजर आएगी आपको, फिर सबकी नजर आप पर ही होगी। हाँ, और लोग फिर वो कहा जाता है उस नजर से नहीं देखेंगे कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, आपको दूसरी नजर से देखा जाएगा, आपका मजाक बनाया जाएगा, यही कहा जा सकता है ना। बिल्कुल। अच्छा अर्षा, आपको पता है कि लड़के एक बात करते हैं फीमेल्स के बारे में, कहते हैं कि सफेद ड्रेस में अगर लाल लिपस्टिक लगाती हो तो कसम से एम्बुलेंस लगती है। और सफेद और लाल का कॉम्बिनेशन ही यही बनाया गया है, सफेद और लाल का कॉम्बिनेशन, लाल और काले का कॉम्बिनेशन, तो क्या खूब कॉम्बिनेशन है। तो ये लड़कों को क्या पता कि ये कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है। अच्छा आशा, कुछ जो ब्यूटिशियंस हैं, हम दोनों तो ब्यूटिशियंस नहीं हैं, लेकिन कुछ जो ब्यूटिशियंस हैं वो मैंने देखा कि बेस जो है ना वो पहले लगाती हैं देन आइज मेकअप करती हैं, ठीक है। कुछ जो है वो मेकअप जो आइज मेकअप है, आइज शेड्स है, वो पहले प्रॉपर आइज को तैयार करती हैं देन बेस लगाती हैं। तो अब वो हर किसी का एक अपना अपना तरीका होता है, वो इजी समझती हैं कि बेस से पहले जो हम आइज बना लें ताकि हमारा टाइम बचे, वो टाइम लिमिट के हिसाब से करती हैं कि हमारा जल्दी से कवर हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा, वो इसलिए बेस जो है ना बाद में बना। हाँ आप ठीक है, लेकिन आशा मुझे लगता है कि वो जो है ना ब्यूटिशियन जो खास तौर पर हैं, मेरे ख्याल से कि वो जो आईज मेकअप करती है ना, जब आप आईज मेकअप आई शेड लगा रहे हो तो वो ब्रश के साथ इस जगह पे ना शेड वगैरह गिर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि आईज मेकअप जो है ना वो पहले ही करना चाहिए, देन जो है ना बेस अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कलर्स नीचे गिर होते हैं वो कलर्स जो है ना बेस में मर्ज होके वो बेस का कलर भी खराब कर देती है। बिल्कुल। और अगर हम बेस पहले लगाएं और आईज मेकअप बाद में करें तो वो फिर जो शेड्स होंगे शेड्स है ना वो नीचे गिर नहीं होंगे, फिर उनको टिश्यू के साथ रिमूव किया जाता है या ब्रश के साथ किया जाता है, या फिर वहाँ पे लाइट पाउडर लगा दिया जाता है। तो सो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल तो शादियों का सीजन हाँ बिल्कुल, और शादियों का सीजन ये है तो पॉलन में तो ब्रश का भरमार लगी होगी, और हर लड़की का ख्वाब कि मैं खूबसूरत लगूं, मैं इस शादी में सबसे प्यारी लगूं, और हर बंदा देख के मुझे बोले, हर इंसान बोले कि कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे ही है। अच्छा वैसे स्टूडियो में मेरा भी ये लड़कियों को कौन नहीं चाहता कि वो खूबसूरत लगे, कौन नहीं चाहता, हर लड़की चाहती है, लड़के भी चाहते हैं कि हम खूबसूरत लगे, हमारी तरफ लड़के यहाँ लड़कों की बात आ गई, लड़के बहुत बातें करते हैं कि हम लोग मेकअप नहीं करते, लड़कियां बहुत मेकअप करती हैं, और आजकल लड़के ही मेकअप करते हैं, लड़के भी मेकअप करते हैं, इनफैक्ट बेस वगैरह तो वो यूज करते ही करते हैं, लिपस्टिक्स वगैरह भी यूज की जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आशा ये तो बात हो गई, अब कुछ लोग हैं आजकल जो प्लकिंग है, स्टूडेंट प्लकिंग करवा रहे हैं, आई थिंक कि आफ्टर इंगेजमेंट या आफ्टर मैरिज जो है ये लड़कियों को अच्छा लगता है, वो जो आपकी मासूमियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ ये सब ये कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में अगर प्लकिंग करवा लेना तो वो कहते हैं कि बड़ी मतलब कि चलाक लगती है। हाँ, बिल्कुल बड़ी बड़ी लगने लग जाती है, जो मासूमियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा मासूमियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जो प्लकिंग है ना, प्लकिंग करवाने से फॉरहेड करवाने से भी आपके फेस पर बड़ी नीटनेस आ जाती है, लेकिन बात आ जाती है मासूमियत, हाँ मासूमियत गायब हो जाती है, हाय तेरा ये मासूम चेहरा क्यों ऐसे हो गया। जी आशा जी, आप इसके बाद आप हमें ये बताएं कि बेस किस तरह कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल एवरीडे जो मुझे लगता है हम नाम ना लें तो बेहतर है, क्योंकि कंपनीज वाले फिर बिल्कुल ऐसे ही विदाउट जो है आप नाम लिए ही हम बात कर लें। कंटोरिंग बेस के साथ साथ कंटोरिंग हमारे फेस की बहुत ज़रूरी है, वो फेस चिक्स जो है आपकी नज़र आने लग जाती हैं, कंटोरिंग होगी तो आपके फेस के जो ये हैं फेस कट जो है नुमाया होंगे। बिल्कुल। और आपको आपकी स्किन जिस तरह की है ना आप उस तरह के बेस यूज़ करें, आपकी स्किन का कलर जिस तरह का है आप उस तरह की बेस। बात ये है कि आप बेस वो यूज़ करें, अगर आप बेस यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने फेस के लिहाज से बेस यूज़ करें, आपके हाथ आपके पांव ये ना हो अलग नज़र आ रहे हो और आपका मुंह अलग नज़र आ रहा हो। आशा ऐसी बात नहीं है, तस्वीरों में वैसे ही पता नहीं क्यों फेस बड़ा नीट आता है, हाथ भी नीट आते हैं, ये इशू होता है पिक्चर में ना,
कि पिक्सलर को पता नहीं क्या इशू हो जाता है कि वो मेरे ख्याल से फिर हमें हैंडों की भी पफिंग करनी चाहिए, हमें फिर हैंड्स के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जी आशा, आप क्या कहते हैं कि अगर फेस खूबसूरत है तो हाथ और पाँव का खूबसूरत होना भी बहुत लाजमी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। और लड़की की जो पहचान है वो होती ही हाथ और पाँव से, फेस से नहीं इतनी होती। और आशा, इसके साथ साथ ये भी है कि आप बेस इस्तेमाल करें, अच्छी वाली बेस इस्तेमाल करें। आपकी स्किन ख़राब हो रही है, आपकी ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करें, क्लिंसिंग किया करें। क्लिंसिंग आप ज़्यादा नहीं, एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर की क्लिंसिंग कर लिया करें, ना आप इतनी एक्सपेंसिव क्लिंसिंग ले। आपने करनी है तो रोज़मर्रा, जो रोज़मर्रा आपके घर में ही बहुत चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप उनमें से एक अच्छी सी क्लिंसिंग बनाएं, जैसे रोज़ वाटर और एलोवेरा को मिक्स करें और उसको रात को सोते हुए लगाए, आप कितनी अच्छी और क्लिंसिंग हो जाएगी। आपको और क्या चाहिए? और हम मज़ीद बातें करते हैं, आपको बताते रहेंगे और मज़ीद हम ब्यूटी टिप्स आपको बताते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस, न्यू मार्केट जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला, MD मोहम्मद सज्जाद, 03006436247। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद तहमीना भी याद आ गई है, विद आशा ईमान एंड सोनी राणा। तहमीना की कमी जो है वो कमी महसूस हम कर रहे हैं, तो तहमीना प्लीज़ आप जल्दी से सेहतयाब होके आ जाए। ये नहीं कि सिर्फ हम आपका प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, हम आपको जब स्टूडियो में आते हैं सुबह से लेके बस जब तक हमारी ड्यूटी है ना 1-2 बजे तक हम आपको याद ही करते जा रहे हैं। तो जी आशा, हम जी व्यूवर्स, हम आपको बता रहे थे मेकअप के बारे में कि मेकअप किस तरह होना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए, लेकिन अब हम आपको देंगे कुछ टिप्स कि मेकअप हमें किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए और बेस किस तरह बनानी चाहिए। लेकिन पहले हम कुछ होम रेमेडीज के बारे में नहीं, अच्छा हम वो जो है ना बाद में बताते हैं, लेकिन अब हम बताएंगे अपने व्यूवर्स को कि हमने पहले बात कर ली लाइनर पे, बात कर ली कि लाइनर किस किस तरह का यूज़ करना चाहिए और उसके साथ कंटूरिंग की बात होगी, बेस की बात होगी। लेकिन अब हम अपने व्यूवर्स को ये बताएंगे जो पार्टी मेकअप करती हैं, पार्टी मेकअप, हमें उसके लिए बेस किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए। जी आशा, कौन मेरे ख्याल से हमें, हम कहीं भी जा रहे हैं पार्टी वगैरह पे, तो जो हमें बेस है ना उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए और बेस नेचुरल लगे, कि हमारी स्किन नेचुरल है, स्किन नेचुरल लगे। शादियों की बात अलग होती है, लेकिन अगर पार्टी हो तो पार्टी के हिसाब से बिल्कुल जो है बेस यूज़ करनी चाहिए, बिल्कुल लाइट सी होनी चाहिए, नेचुरल सी होनी चाहिए कि आपकी लुक जो है वह नेचुरल नज़र आए। और अगर हम शादी पर भी जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह पर जा रहे हैं, तो उस पर भी हमें जो अपनी बेस यूज़ करनी चाहिए वो भी ज़्यादा नहीं थोपनी चाहिए कि बस हम वाइट 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 नज़र आए, हमें बेस नॉर्मल अंदाज से लगानी चाहिए और टैप करके लगानी चाहिए, इस तरह करके लगानी चाहिए। देन उसको मैश, अच्छी तरह स्किन में मैश करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, डैप डैप करके आप लोग बेस लगाएं। फर्स्टली यहाँ से कवर कर लें जहाँ से आपके डार्क सर्कल्स हैं। पहली बात तो ये कि आप अपने जो है एक्नीज हैं, आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उनको पहले कवर कीजिए, ताकि आपकी बेस जो है इजीली कवर हो सके। और जो है बेस बिल्कुल थोप के जैसे कहा जा सकता है वो ना लगाएं, बिल्कुल डैप डैप करके लगाएं, बिल्कुल मैट करके लगाएं कि आपकी कहीं से बेस उखड़ ना जाए, और बिल्कुल बेस इतनी नॉर्मल लगाएं कि आपको हीट में कहीं जाने की वजह, हीट में जाने की वजह से आपकी जो बेस ख़राब ना हो जाए। ऐसा काफ़ी होता है कि आप बेस बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, अपने ठीक करते करते आप उसको और डार्क कर ही जाते हैं, और इससे जो आपकी बेस जो है वो फट जाती है, इस तरह जो है इसमें लाइन्स आ जाती है, वो बेस आपकी स्क्रैच भी कर जाती है, स्क्रैच बिल्कुल लाइन्स आ जाती है। और समटाइम मैंने ये भी सुना
होगा कि जो ब्यूटिशियंस है ना, कुछ ब्राइडल्स को ज्यादा बोलने नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लड़कियों को जो पार्टी मेकअप के लिए भी तैयार हो रही होती हैं या शादी में जाने के लिए भी, तो उनको भी ज्यादा नहीं बोलने दे रही होती कि ना बोलें, आपकी स्क्रैच फट जाएंगी, और कई इतनी ज्यादा बेस यूज कर देते कि उनकी जो उनकी बेस है ना वो ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट ब्लैक हो जाती है। बोलने से तो इसलिए मना किया जाता है कि जितना आप बोलेंगे आपका मुंह खुलेगा उतनी आपकी जो बेस खराब हो जाएगी, इस वजह से मना किया जाता है। लाइन्स आ जाती हैं बेस की जो है ना उसमें। बिल्कुल। और उसके बाद हमें अपने फेस कट किस तरह बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? फेस कट जो है ना, फेस फीचर्स हमारे बहुत ज़रूरी हैं। हमें मेकअप ना भी हो, फेस फीचर्स नज़र आने चाहिए, उसके लिए कंटूरिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंटूरिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, हम तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आपको सजेस्ट करेंगे कि इंटरनेट से ही देखें। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में कुछ देर तक एक दो या तीन चार ब्यूटिशियंस को बुलाएंगे जो आपको टिप्स देंगी, लेकिन जो हमारे पास टिप्स हैं वो भी हमने जो है कुछ तजर्बा भी किया हुआ है, और हमारा तजर्बा भी कुछ कुछ बोल रहा है क्योंकि हम अपना मेकअप खुद ही करते हैं। तो इसलिए जी आप बताएं कंटूरिंग के बारे में। कंटूरिंग के बारे में अगर जो मैं खुद करती हूँ, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ तो ब्लशंस लगाने से पहले आप जो है अपनी फिंगर जो है इस तरह से कुछ रख लीजिए और अपने फिंगर के हिसाब से इस साइड पे कंटूरिंग के लिए ध्यान कीजिएगा। कुछ कलर ब्राउन जो है लाइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, तो कंटूरिंग के लिए आप जो है डार्क कलर यूज कीजिएगा और इस तरह से कुछ फिंगर की शेप रख के इतने इतने हिस्से में आप उसको कंटूर कीजिए, अपनी ये चिन के ऊपर कीजिए ताकि आपकी चिन, अगर आपकी डबल चिन है तो वो इजीली जो है वो डिफरेंट हो जाए। अपनी नोज की जो है कंटूर कीजिए, अपनी ये फोरहेड को कंटूर कीजिए। हाँ, वैसे कंट्रोल करने का एक और बेनिफिट वो होता है जिनकी नोज मोटी है, कंट्रोल करके उसको पतला किया जा सकता है। बिल्कुल, वो फीचर्स आपके जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिनकी आईज छोटी हैं उनको मोटा लाइनर लगा के, इतने खूबसूरत तरीके से लाइनर लगा के उनकी आईज को बड़ा किया जा सकता है। जिनके लिप्स बहुत फ्रीक है, लिपस्टिक इस कदर थोड़ा मोटा किया जाता है। बिल्कुल, आजकल तो वो ये मेडिकल में आ गया हुआ है, लिप्स को इंजेक्शन लगवा लें और मोटा कर लें। नहीं, ये बहुत बहुत गंदी सी चीज मुझे लगता है। आयशा, जो अल्लाह पाक ने आपको नेचुरल चीजें अता की हैं, जो कुदरती खूबसूरती है ना, वो कुदरती ही खूबसूरती है, उसका मुआवजा आप किसी के साथ नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी एक्ट्रेस है वो थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाती रहती है अपने लिप्स में हो गए, लेकिन मैंने सुना है कि मॉडल के लिप्स जो है ना उनका बड़ा होना बहुत जरूरी है, तो मैं कहती हूँ कि लेकिन अच्छे नहीं लगते। मैं कहती हूँ इंजेक्शन लगवाने से बेहतर है कि आप लिपस्टिक को थोड़ा सा फैला के लगा लें, आपके लिप्स बड़े बड़े लगने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप आप अगर फॉर एग्जाम्पल लिप जो है ना वो बड़े नहीं हैं, वो छोटे हैं, अगर इनको बड़ा करना है ना तो लिप को ना थोड़ा सा इस तरीके से सजेस्ट किया जाता है, इस तरीके से उनको बनाया जाता है कि वो लिप्स आपके थोड़े से बड़े लगना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े लगते हैं। और मैं आपकी तस्वीर नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने एक तस्वीर में अपनी पिक में खुद अपने लिप्स को इस तरह से तैयार किया था कि वो थोड़े थोड़े मॉडल लुक दी थी अपने लिप्स को, कि क्योंकि मुझे बोला गया था कि मॉडल्स के लिए ना उनके लिप्स जो है वो बड़े होना ज़रूरी हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी एक्ट्रेस हैं, जैसे आयशा खान, उनके लिप्स इतने खूबसूरत हैं, उनके भी बारीक हैं, मोटे नहीं हैं, नॉर्मल हैं। उसके साथ अगर आप आ जाएं सबा कमर की तरफ, उनके लिए से देख लें, तो मेरी फेवरेट भी रह चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसके फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं सबा कमर के। लेकिन हम बात कर रहे हैं फेस कार्ड की, तो कंटूरिंग के बहुत से फायदे हैं। कंटूरिंग के साथ आप अपने जो नोज़ है, आपका जो नोज़ है आप उसको तीखा कर सकते हैं, चिन है, गोल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, इसके इतने बेनिफिट हो गए हैं। अपने लिप्स को बड़ी खूबसूरत शेप दे सकते हैं, और आप जब लिप्स को आउटलाइन करते हैं ना, आउटलाइन के जरिए आप लिप्स को बहुत ब्यूटीफुल शेप। बिल्कुल ऐसा ही है वो, लेकिन आउटलाइन भी लोग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर देते हैं, वो अजीब सी शेप, लिप्स की शेप ही चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके भी लगाने का तरीका होता है। उसको अगर परफेक्टली लगाएं तो आपके तो होंठों की खूबसूरती बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगी कि आपके जो आईब्रोज हैं, आईब्रो को हमेशा आंख की साख के मुताबिक बनवाएं। आपकी जिस तरह की आंख है आपका आईब्रो भी उसी तरह का होना चाहिए, ठीक रखनी चाहिए, या बिल्कुल जो बारीक कर देते हैं वो अच्छे नहीं लगते। और उसके साथ मैं अपने व्यूवर्स को ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपके बाल ब्राउन है तो आप अपने जो आईब्रो है ना, आईब्रो उनमें ब्राउन पेंसिल से टच दिया करें, तो वो आपका कलर सेम होगा, आपका फेस बहुत खूबसूरत लगेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद एक और चीज़ बोलना चाहूँगी,
पलकों पर जब आप मस्कारा लगाएं तो हमेशा ऊपर की तरफ देख के आंखों पर ना मस्कारा लगवाया करें पलकों पे, या खुद लगाया करें, और फिर उसके बाद ना पलकों को थोड़ा सा ऐसे खींच लिया करें तो आपके पलकें बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएंगे मस्कारा के ज़रिए। और बहुत मतलब कुछ को तो ये होता है ना कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि वो मस्कारा जो होता है उतारने के चक्कर में आंखें धो रहे होते हैं, ऐसे खींच रहे होते हैं, साथ में अपनी पलक भी अपनी पलकें भी उतार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको थोड़ा सॉफ्टली जो आप उसको उतारें और इससे आंखें भी बड़ी लगती हैं। अगर आपने मेकअप बहुत अच्छा किया और बाल आपके बहुत बुरे से बने हो, आपके बाल खूबसूरत ना हो, तो वो ग्रूमिंग नहीं आती, वो पर्सनैलिटी नहीं लगती, बहुत अजीब सी लगती है। लेकिन हम बालों की बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जी व्यूवर्स, यहाँ पे रहते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद आज। जी आशा, हम आज मेकअप के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्रेक से जाने से पहले मैंने हेयर्स के बारे में बात की थी कि हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर जिस तरह मेकअप बेस लग जाए, मेकअप कंप्लीट हो जाए, बेस लग जाए, आई शेड्स लग जाए, ब्लश ऑन लग जाए, कंटूरिंग हो जाए, हर चीज़ हो जाए, लेकिन लिपस्टिक ना लगे, उसी तरह बालों का भी हाल है। बिल्कुल, बाल हमारी खूबसूरती का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, और बाल जो है ना वो उनको आपके मेकअप के अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपका मेकअप हो उस तरह फेस के हिसाब से बालों को हमेशा सेट किया जाए, इस तरीके से सेट किया जाए कि बाल खूबसूरत लगें और देखने वाले भी कहेंगे दिस इज़ अ परफेक्ट, इट्स परफेक्ट, ये परफेक्ट लुक है, इस तरह के बाल होने चाहिए। और बालों के हवाले से आप ऑयलिंग किया करें हफ्ते में, या कुछ फीमेल्स के पास टाइम भी नहीं होता तो आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो कम अज़ कम करनी चाहिए। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है बालों के लिए भी ग़ज़ा ज़रूरी है, तो ऑयलिंग ज़रूरी है बालों के लिए, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो कम अज़ कम होनी चाहिए। बिल्कुल, आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें, और सरसों के ऑयल में कोकोनट ऑयल मिक्स करके इस्तेमाल करें, आपके बालों को बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर बात करें या शहद की, तो अगर आप सारी रात बालों में शहद लगा कर रखें तो वो उसकी वॉश करने के बाद उसकी जो लुक ही चेंज हो जाती है। अच्छा, बहुत स्मूथ बाल हो जाते हैं, बहुत खूबसूरत। अच्छा आयशा, मैंने ना कुछ लोगों को ये भी कहते सुना है, कुछ लोगों के बाल जो होते हैं ना वो थोड़े थोड़े कर्ली होते हैं, और जो कर्ली हेयर्स होते हैं उनमें शाइन नहीं होती, वो फिजी होते हैं और उनमें शाइन आती नहीं है, रफ रफ से लगते हैं। बेशक उनके बालों की जितनी मर्जी भी लेंथ हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत तरीका होता है अपने कर्ली बालों को भी इस तरह से उन्होंने सेट किया होता है, कैरी बहुत अच्छे से किया, उनकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करते हैं। कुछ लोग ये भी हैं कि बालों को ना मायोनीज, जो मायोनीज है ना वो लगा के गर्म टावल को डिप करके, तो फिर उसको 1 घंटे के लिए, पूरे 1 घंटे के लिए ना दम दे दिया जाता है सर को मायोनीज लगा के। अच्छा। सबसे पहले आपने बालों को मायोनीज लगाई, उसके बाद आपने टावल को गर्म पानी में टिप करके, ज़्यादा गर्म ना हो कि आपका सर जल जाए, नॉर्मल सा गर्म हो, वार्म हो, आपने उस टावल को अपने बालों में ना लपेट देना, इस तरह दम कर देना, वो फुल इस तरह कवर बालों को कर, फिर 1 घंटे बाद आपने अपने बालों को शैम्पू कर लेना है, और आपके बालों में बहुत खूबसूरत शाइन आ जाती है, जो कर्ली हेयर है ना उनके लिए बहुत खूबसूरत शाइन आ जाती है। मैंने वैसे ये पहली दफ़ा सुना है, मैं फर्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ, लेकिन होता होगा। नहीं, मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, और इसका बकायदा एक्सपेरिमेंट भी करवाया हुआ। बाकी मायोनीज बालों के लिए अच्छे, क्योंकि उसमें अंडा भी होता है, उसमें ऑयल भी होता है, तो वो बालों के लिए अच्छी। और हनी जो शहद है, इससे भी हम बहुत से बेनिफिट ले सकते हैं, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर हम स्किन ग्लोइंग की बात करें, आप सारी रात जो है फेस के ऊपर लगा के रखें, जो है शहद की एक थिक लेयर नहीं, एक सिंपल लाइट सी लेयर लगा लें, और उसको सुबह वॉश करें, आपको खुद फील होगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। उसी तरह बात करें अगर लिप्स के बारे में, दिन में नहीं तो रात को ही टाइम मिलता है, सोने से पहले आप एक थिक लेयर लिप्स के लिए थिक लेयर लगाया करें, ताकि वो आपके जो है ना लिप्स कवर रखें, वो भी आपके लिप्स पिंक भी होंगे इससे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है, और उसके साथ साथ शहद और एग को, अगर अंडे को मिक्स करके लगाया जाए स्किन पे, उससे भी बहुत सा फ़र्क पड़ता है।
उसके साथ साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए प्लीज़ हम कोई आपको होम रेमेडी नहीं बताएंगे। आप पानी का इस्तेमाल करें, दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इस्तेमाल करें। ये जितनी भी क्रीमें हैं, क्रीम में हो गई, बेस हो गई, फाउंडेशन, क्लिंजिंग, सब कुछ ये एक साइड पे, लेकिन आप अपने डाइट को बेहतरीन बनाएं। रोज़ एक रोज़ाना एक ग्लास दूध और एक एप्पल खाएं। आप बहुत, आपकी जो स्किन है वो बहुत फ्रेश लगेगी, आपके चेहरे पे एक ग्लोनेस आ जाएगी, आपका चेहरा जो है ना वो ग्लो होना शुरू हो जाएगा, आपको एक बहुत खूबसूरती मिलेगी इंतहाई, वो जो आपको क्रीमों से नहीं मिल सकती। बिल्कुल साइंटिफिक प्रूव्ड है कि पानी कम से कम दिन में 8 से 10 ग्लास कम से कम जो है आप पिए, और अगर हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग आपको ये बात बता रहे हैं पानी के हवाले से, वैसे भी आप किसी ब्यूटिशियन के पास भी चले जाएं तो वो भी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। जैसे कि हमने मेकअप इवेंट किया था, मेगा इवेंट, और उसमें भी हमारी जो दो ब्यूटिशियन थी, मिस नूरीन और मिस आयशा, उन्होंने भी कहा था कि पानी का इस्तेमाल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और जितना पानी पियेंगे आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी। हमारी स्किन जो है ना आशा वो उतनी ज़्यादा ग्लो करती है। बिल्कुल, हमें जब तक हमारी स्किन फ्रेश नहीं होगी तो हम अंदर से किस तरह से फ्रेश होंगे। और उसके साथ साथ सर्दियों में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, गाजर हो गई, गाजर के साथ शलजम और जो गोभी है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, चुकंदर का किया करें, फ्रूट्स खाया करें। चुकंदर से याद आया, अगर आपको पिंक लिप्स चाहिए तो चुकंदर का एक थोड़ा सा है ट्रिक है, आप चुकंदर का पानी लें, पानी उसका निकाल के उसके अंदर वैसलीन डालें 1 चम्मच, और 1 चम्मच उसमें जो है कोकोनट ऑयल डालें, या कोकोनट ऑयल नहीं है तो बादाम का तेल जो है उसमें ऐड कर लें, उसको रात को लगा कर सोएं। आपके इसको 3 से 4 दफ़ा नहीं तो हफ्ते यूज़ करें, आपके लिप्स जो हैं पिंक हो जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त आपने हमें होम रेमेडी बता दी है जिसका हमें बिल्कुल भी नहीं था आयशा पता। अच्छा आयशा, आपको पता है कि लड़के लड़कियों को एक बात करते हैं, कहते हैं कि शुक्र है अफ्तारी का ऐलान लड़कियां नहीं करते, तो क्यों नहीं करती? अगर जी अगर लड़कियां करती तो वरना मेकअप करते करते ईशा की अजान उनको लड़कों को लगता है कि जो भी काम है ना, उनको तो ये भी लगता है कि हम अगर बाहर घर से कूड़ा भी बाहर फेंकने के लिए जाए ना, या कूड़ेदान को भी देने जाए, कूड़ेदान में फेंकने जाए, तो हम मेकअप करके निकला करेंगे। मतलब उनको ये लगता है कि हम अपनी नेचुरल ब्यूटी के साथ नहीं निकल सकते। निकल सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नेचुरल ब्यूटी के लिए हमें करनी चाहिए नेचुरल डाइट, कुदरती चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और भी जितनी भी गजाएँ हैं हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सुबह का प्रॉपर हमें नाश्ता करना चाहिए। दूसरी बात है, हमारे लिए टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर डार्क सर्कल्स के लिए, इससे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम लेट नाइट सोएंगे। अच्छा आशा, हम लोगों को ये भी बहुत मसला होता है कि हम पूछ रहे होते हैं जी डॉक्टर साहब हमें डार्क सर्कल है इसके लिए हमें कुछ बता दें, ब्यूटिशियन के पास जाएंगे जी मैम हमें डार्क सर्कल है इसके लिए हमें कोई क्रीम बता दें, कोई होम रेमेडी बता दें, हमें कुछ भी बता दें, तो क्यों ना हम नींद पूरी किया करें। कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद हम बहुत फ्रेश उठेंगे और हमारे जो डार्क सर्कल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमें अपनी केयर खुद करनी चाहिए, अगर हमने इस दुनिया में जीना है, खूबसूरत दिखना है, तो हमें खुद ही मन संवर के रहना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, हमें अपनी डाइट जो है वो ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, डाइट परफेक्ट, अगर आपकी डाइट होगी तो आपकी हेल्थ परफेक्ट होगी, हेल्थ परफेक्ट होगी तो आपको आपकी स्किन फ्रेश नज़र आएगी। बिल्कुल, और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम की तरफ आ रहा है, और हम ये भी कहना चाहेंगे आपको कि आप जितनी भी क्रीम, ब्लीच, फाउंडेशन, क्लिनजिंग, जितना भी मेकअप, कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है वो यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी स्किन का ख्याल रखें ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ भी आप डाइट में कोई चीज़ ऐड कर लें, आजकल तो एंड्रॉयड सेल फ़ोन है और बाकायदा आपका एक पूरा जो प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आईफोन जो है ना वो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो स्पेशल आपको अलार्म कर देता है, अलर्ट आ जाता है जी एक ग्लास आपके पानी पीने का टाइम हो चुका है, और 8 ग्लास का आप टाइम लगा लें, उसको कवर करें, प्लान को कवर करें, वाटर प्लान के आपने ड्रिंकिंग वाटर प्लान, आपने इस टाइम पानी पीना है तो आप वो पानी जो है ना वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ खाना जो है सुबह का खाना, उसको प्रॉपर तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, सुबह एग लें,
और पराठा खाएं, जरूर आपने ब्रेड स्लाइस खाने हैं, ब्रेड स्लाइस खाने पराठे से भी, और सिर जो है फेस पे एक्नीज होती है, पराठा ना खाएं, अच्छा साथ ही रोटी का इस्तेमाल करें। नहीं तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों को एक्नी है ना वो ना पराठा खाएं, जिनको नहीं है वो तो पराठा खाएं। नहीं, एक्नीज से बनते हैं, ऑयल आप जितना यूज करेंगे, आप अगर फिश खाते हैं ग्रिल फिश खाएं, क्योंकि जितना आप ऑयल यूज करेंगे उतना आपके फेस पे एक्नी ऑयल निकलेंगे। अब हमारे देखने वाले व्यूवर्स ये कहेंगे कि ले जी ये जो है हमें कुछ इधर कह रही है कुछ इधर कह रही है, जो आपका दिल करता है वो खाएं, लेकिन अपनी सेहत का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है। मैं हमेशा की तरह कहती हूँ ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी है तो हम जी रहे हैं तो हमें लुत्फ़ानंदोज़ होना चाहिए दुनिया से, हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी कीमती जान दी है, हम उसको ऐसे ज़ाया ना करें, ऐसे ही क्यों हम वेस्ट करें इसको, हमें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। स्पेशली फीमेल्स जो अपने पूरे घर का ख्याल रखती हैं, पूरे खानदान का ख्याल रखती हैं, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप खानदान के साथ साथ अपना ख्याल भी रखा करें, क्योंकि आप हैं तो आपका खानदान है, अगर आप नहीं हैं तो आपका खानदान कैसे सर्वाइव करेगा। आप खुद के ऊपर तवज्जो दें, खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, मैं तो बस आप लोगों को यही कहना चाहूँगी। जी आशा आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, जो मैरिड लाइफ की जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल बच्चों में बिल्कुल घुल मिल जाती हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने आप को फ्रेश रखें, जितना आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे उतनी ही आप फ्रेश नज़र आएंगे। और हमने जो आपको मेकअप टिप्स दी हैं, जो हमने आपको बताया, उसके साथ साथ आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, YouTube चैनल्स पे आपको इतना कुछ बता दिया गया है कि आप अपनी आईज को इस तरह मेक किया करें, लिप्स को इस तरह मेक किया करें, इस तरह बेस यूज़ किया करें कि पार्टी मेकअप के लिए आप ये बेस इस्तेमाल करें, एवरीडे इस्तेमाल कर लें, जो स्पेशली जॉबियंस हैं, जॉबियंस एवरीडे का इस्तेमाल करें, आपकी स्किन के साथ की जो बेस है वो मैच होनी चाहिए, तो हर चीज़ का आपको सोशल मीडिया ने बताया हुआ है। आप सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो अपने लिए करें, आप अपनी ड्रेसिंग के ऊपर गौर करें, अपने मेकअप के ऊपर गौर करें, क्योंकि लड़की अगर खूबसूरत नज़र आती है तो वो बन संवर के ही आती है, उसका बना संवरना ही, अगर वो सादगी में भी है ना, अगर उसने मेकअप नहीं किया, वो बहुत सिंपल है, जस्ट उसने लाइनर लगाया या लिपस्टिक लगाई है, तो उसकी ड्रेसिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। अगर आपकी ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत है, आप माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लोगों की, और बन संवर के रहना चाहिए अपने महरम के सामने, ना कि दूसरों के सामने। तो जी आशा, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के लिए? आज के लिए पैगाम बस यही है कि अपने हेल्थ का ख्याल रखें, फ्रेश रहें, और मेकअप ज़रूरी नहीं, मेकअप हम मेकअप के टिप्स दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मेकअप करना ज़रूरी है, सादगी में भी खूबसूरती नज़र आती है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मेकअप की बातें जितनी करते रहेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होने लगेंगी, लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम का हो रहा है वक्त ख़त्म। जी सोनी जी, आशा ने ठीक कहा, हमें अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रीमों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत खूबसूरत लगना चाहती हैं तो प्लीज़ आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, एट द स्पॉट मुझे एक बात याद आई, अगर आप ब्लीच कर रही हैं तो प्लीज़ ब्लीच में थोड़ा मिल्क इस्तेमाल कर लिया ब्लीच में थोड़ा मिल्क यूज़ कर लिया करें। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपको बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं मेकअप के हवाले से, आप उनको, आपने अगर सोशल मीडिया पे किसी भी यूट्यूब चैनल से मेकअप आप देख के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसको पहले इधर अप्लाई करें, आप कोई भी होम रेमेडी कर रहे हैं आप उसको पहले इधर अप्लाई करें, देन फेस पे अप्लाई करें, आप इधर अप्लाई करेंगे आपको साइड इफेक्ट का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपने अपने फेस पे इस्तेमाल करना है, और फेस के साथ साथ आप अपने हाथों और फोम की खूबसूरती के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ करते रहा करें, उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और जी हमें अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और इसके साथ ही हम दोनों होस्ट को दें इजाज़त, हम इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ, तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।